नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट आ गया है और उसके अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, सेकंड सेमेस्टर के अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे और PAPR, BKPR, FAPR का क्या मतलब है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने अभी तक सेकंड सेमेस्टर BA सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो जारी नहीं किया है। बाकी BCOM और इसी के साथ BSc, BBA, BCA इन सभी का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी तक है BA सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आपको 2 या 3 दिन का और इंतज़ार कर लेना है, आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो कम से कम 2 या 3 दिन का आप इंतज़ार और कर लें, क्योंकि अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया गया। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बता भी दिया था, जो कि आपकी जो टेंशन थी पहले वो मैंने ऑलरेडी दूर कर दी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो BA सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है 2 या 3 दिन का और इंतज़ार करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही जारी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। अब इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते थे, पेपर में कितने और ओवरऑल आपको कितने नंबर है आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, PAPR, BKPR, FAPR मतलब आप फेल हो गए, बैक पेपर रह गया है तो आपका क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दें, मैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ अवश्य रूप से ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक स्टूडेंट का रिजल्ट है वो दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आ सकता है PAPR, BKPR, FAPR, इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि इसमें ये लिखा है कि PAPR इसका मतलब है आप पास हैं, आपके सभी पेपर क्लियर हैं। BKPR आपके रिजल्ट के अंदर लिखा हुआ है, BKPR का मतलब है बैक प्रमोट, कहने का मतलब आपको प्रमोट है वो कर दिया गया है सीधा का सीधा। तो PAPR का मतलब है पास प्रमोट होता है, और BKPR का मतलब है बैक प्रमोट, मतलब आपके कुछ पेपर्स हैं, 1 या 2 पेपर आपके बैक रह गए हैं और आपको प्रमोट कर दिया गया है, मतलब आप अगले सेमेस्टर के अंदर है आप बैठ सकते हैं। और मैं फिर बात करता हूँ FAPR का मतलब यहाँ पर है कि आप फेल हो गए हैं, आपके 3 या 3 से ज़्यादा पेपर बैक हैं और आपको प्रमोट कर दिया गया है अगले सेमेस्टर के लिए। कहने का तात्पर्य है कि आप सेकंड सेमेस्टर में यदि आप फेल भी हो जाते हैं या पेपर बैक रह जाते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर बैठ सकते हैं, निश्चित रूप से आप थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जो ये बैक पेपर हैं सेकंड सेमेस्टर के, जब भी आप पिछले स्टूडेंट आएंगे सेकंड सेमेस्टर के तो उनके साथ आपको ये फिर से पेपर देने होंगे। तो आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम जून के अंदर लगती है और फर्स्ट सेमेस्टर की दिसंबर में लगती है। तो जिन स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर चले आ रहे हैं तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ एग्जाम देंगी। तो मैं आपको अवगत करवा देता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है, इनकी एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में रहेगी, दिसंबर या जनवरी तक मान के चलेंगे। और बाकी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर है, उनकी एग्ज़ाम आपकी जून में रहेगी। तो ये आपका रहने वाला है, जो भी जिस सेमेस्टर के पेपर बैक या फेल रहते हैं तो आपको, आप अगले सेमेस्टर में तो हो जाओगे लेकिन जो बैक पेपर हैं उनके जो पीछे सेमेस्टर रह जाएंगे उनके साथ आपको देनी पड़ेगी। तो अब मैं बात करता हूँ आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो आपको जो पेपर्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि आपके कितने पेपर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और पेपर के जस्ट सामने लिखा भी है कि मैक्स मार्क्स आपको, मतलब कितने टोटल कितने का आपका पेपर था, और ओबिडेंट यहाँ पर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, कितने नंबर आपको मिले हैं, तो ये आपको देख लेना। अब मैं बात करता हूँ आप परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे। तो आपका टोटल नंबर मैक्स मार्क्स यहाँ पर आपको सेकंड सेमेस्टर का देखने को मिलेगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 500 नंबर का है। तो मैं यहाँ पर अब आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 500 का पेपर है और टोटल मार्क आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं 289 नंबर आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर 289 नंबर है, तो आपको करना क्या है, ओनली परसेंटेज निकालने के लिए 289 बट्टा आपको 500 कर देना है और गुणा आपको 100 कर देना है, तो सीधे से आपके परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। तो इस स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ,
तो इस स्टूडेंट के हैं सीधे से परसेंटेज निकालने की मैं बात करता हूँ तो 55.8 के समथिंग इसके परसेंटेज है इस प्रकार निकल रहे हैं। तो आप भी अपने परसेंटेज इस प्रकार निकालेंगे कि आपके कितने में से नंबर आए, कितने नंबर आए कि टोटल मार्क्स आपके आए। मतलब मान लीजिए 200 इस स्टूडेंट के 289 आए, 500 में से आए तो 289/500 गुणा 100 लगाएंगे तो आप अपना परसेंटेज है वो निकाल पाएंगे। तो ये मैंने बता दिया परसेंटेज किस प्रकार निकालेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते थे, परसेंटेज तो आप निकाल लिए। अब आपको कम से कम पास होने के लिए 40% आपको कम से कम लाना अनिवार्य हो जाता है। तो मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम 40% लाना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट है, 100 नंबर का पेपर था और 40 मिले, कहने का मतलब पूरा पास हो गया है। और फिर मैं बात करता हूँ ये 50 नंबर का पेपर है तो 50 में भी आपको 40% ही आपको लाने होंगे, लगभग 18-20% के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लाने पड़ेंगे। तो आपको 100 में से कम है प्रत्येक पेपर के अंदर भी कम से कम पास होने के लिए। आप देख लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आए हैं या उससे कम है तो आप फेल हैं या पेपर बैक है आपका। यदि दो पेपर आपके 40 से कम नंबर आ रहे हैं तो बैक है उसका मतलब। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट है कृपया ध्यान देंगे। और 150 नंबर का है तो उसका भी 40% आपको लाने होंगे, 100 का भी है तो 40%, 50 का है तो भी 40%। यदि आप 40% ले आते हैं कंडीशन के अंदर है आप पास हो जाते हैं। तो कम से कम आपको 40% लाने होंगे और आपको ओवरऑल भी आपको पास होने के लिए 40% लाने होंगे। तो इस स्टूडेंट के मैंने अभी दिखाए हैं कि कम से कम इस स्टूडेंट को 55 के आसपास परसेंटेज मिले हैं तो आपको 40% है वो लाने होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अब इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हाँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। जैसे ही बीए सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है मैं आपको अपडेट करूँगा, आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान है किया जाएगा, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।